महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से, और ये अभिभाषण किसी भी सरकार की दिशा नीति और योजनाओं का एक स्वरूप रहता है जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया, और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब रहेगा क्योंकि इसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा, और ये इस कार्यकाल के अंतिम वर्ष का ये आखिरी बजट होगा इस विधानसभा का। इस विषय से भी इस विधानसभा की और इस बजट सत्र में काफ़ी विषयों पर चर्चा होगी और भावी योजनाओं के बारे में सरकार की उसके क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय होगी। राज्यपाल का अभिभाषण एक गरिमा होती है। राज्यपाल का अभिभाषण कोई सरकार और सरकार के नीतियों को, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करती है, उसकी एक मर्यादा हमेशा बनी रहती है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमें पूरा सत्र मिलेगा, लंबा सत्र है, बजट का सत्र है, हमको जितनी बात अपनी कहनी है सरकार की योजनाओं में, अभिभाषण में, अपना पूरा समय है उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है, पर राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा बनी रहनी चाहिए। ये निश्चित रूप से इस सदन और इस संगठन की परंपरा है। मुझे सरपंचों से छत्तीसगढ़ के कई शिष्टमंडल मिला, हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, और सबने कहा कि जब आप 80,000 करोड़ का बजट बना रहे हो तो थोड़ी बहुत राशि लेने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो मूल विषय ये था कि इस बार सूखा आपको देखते हुए हर पंचायत में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए छोटी फाइनेंस कमीशन की राशि की जरूरत थी, हमें पूरा नहीं लेने का सोचा था, और उसके बाद भी लगा कि इसको बजट से ही सप्लीमेंट करते हैं, बजट से ही इसमें 600 करोड़ का बजट ऑलरेडी इसमें प्रावधान है, हमने सरकार की तरफ से कुछ राशि और लोन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसलिए कल हमने निर्णय लिया कि ये ट्रांसक्शन अपने घर से ही इसका योजना का सब कुछ। मुख्यमंत्री जी, बीते 48 घंटे में 80 और 90 के आसपास ही है। मुख्यमंत्री जी, बीते 48 घंटे में नक्सलियों ने 6 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, किस तरह के देखते हैं नक्सलियों की स्थिति, तांडव मचा रहे हैं बस्तर में? नक्सलियों की बौखलाहट ही दिख रही है, बच्चों के स्कूल में, बच्चों के बराती बसों में, अब कोई बस जा रहा है अपराधियों को लेके जा रहा है, लोगों को लेके जा रहा है, उसको छेड़खानी करना है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को गाँव में रहने वाले, बाजार हाट में जाने वाले लोग को लग कर यही बताता है कि अब बस्तर के आम आदमी को, बस्तर के बस्तरिया लोगों को प्रताड़ित करने लगे हैं, और यही मुख्यमंत्री जी की रसम है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।